नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरञ्च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शङ्करं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेतिमूर्तिभेदविभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम आमलोका शादोकालोकपर्वतासिजा देवास्तेभ्यो नमा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः नारायण नारायण इस फेसबुक नामक आमुख पटल पर विद्यमान सभी सुधीजनों का अभिनंदन और आज भगवत गीता के इस पावन प्रवचन प्रवाह विचार प्रवाह के अठारहवें दिन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं भगवान कृष्ण स्वधर्म विमुख मोहाभिभूत पार्थ के चित्त में अनेक विधि से कर्तव्य के प्रति जागृति का दीप जला रहे हैं इसलिए आत्मा की नित्यता के द्वारा उनके कर्तव्य का स्मरण कराने के द्वारा इस लोक और परलोक की लाभ और हानि का विचार बता करके अनेक अनेक विधियों से भगवान और मानो एक पद्धति एक विधि एक युक्ति एक प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति को कोई जब धर्म के पथ पर लाना चाहे तो कितने कितने प्रकार की विधियों का आश्रय लेना पड़ता है ये क्लेब्यम मास मगम हरे किलीवता को प्राप्त मत हो तेरी अपकीर्ति हो जाएगी तेरे बारे में तेरे शौर्य के बारे में लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे और लोग ये नहीं कहेंगे तुम्हारे विषय में कि तुम करुणा के कारण कृपा के कारण स्वजन बध से विमुख हुए हो युद्ध से विरत हुए हो लोग ये कहेंगे डर के मारे भाग गया है तब क्या करोगे और तुम जिसको ये मान करके बैठ गए हो कि मैं मारूंगा या ये मुझे मारेंगे वो आत्मा तो नित्य है वो तो अजन्मा है इस प्रकार अनेक विधि से भगवान कृष्ण अर्जुन के चित्त में स्वकर्तव्य पालन के लिए प्रेरणा का ऐसा प्रदीप जलाते हैं कि अर्जुन उठ के खड़े हो जाते हैं उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं आत्म तत्व के विषय में चर्चा करते करते देही नित्य ये देतीस हो गए थे तीस हो गए थे चलो फिर भी विचार कर लेते हैं देही नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितु मर्हसि भगवान कृष्ण कहते हैं हे पार्थ ये जो देही है हे भारत ये जो देही अर्थात आत्मा है नित्य अवध्य है सर्वस्य देहे सभी के शरीर में रहता हुआ एक ही सर्वस्य कह करके अनेकत्व का बोध करा रहे हैं अनेक शरीरों की बात कर रहे हैं परंतु देही एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं आत्मा सर्वस्य देहे का अर्थ है सर्वेशाँ देहे जीवनां देहे सभी प्राणधारियों के शरीरों में तो ये यहाँ पर देहे कहा है तो बहुवचन का प्रयोग कर सकते थे देहेशु कह सकते थे परंतु जाति में एक बचन का प्रयोग होता है ऐसा नियम है जा, जात्या में एक बचनम तस्मात्वाणी भूतानी इसलिए जब सब भूत एकत्व से समाविष्ट है और उन सब में एक ही रहता है इसलिए किसी के प्रति तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है देही माने शरीरी वो कैसा है बोले नित्य है अर्थात सर्व सर्वदा माने सर्वासु अवस्थासु अवध्य वो किसी प्रकार से मारा नहीं जा सकता क्यों पुनः वही उत्तर दे रहे हैं निर्व्यवत्वात, नित्यवाच्च निरवय है और नित्य है अस्माद अवध्य है इसीलिए अवध्य है देहे माने शरीरे, सर्वस्य सर्वस्व सर्वगतत्वाद स्थावरादिशु स्थित अपि और एक बहुत विशेष बात आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि आत्मा सर्वगत है स्थावर और जंगम में भी है वृक्षादिक में चेतना है ये बात तो आज के वैज्ञानिकों ने बहुत वर्षों के बाद स्वीकार की हमारे शास्त्रीय पक्ष का आश्रय लेकर के चिंतन करने वाले महा मनीषी महापुरुष तो कहते हैं पाषाण में भी अनुत्कट चेतना है जब एक भी कण परमात्म सत्ता से विरत नहीं है सर्वं खलु ख ब्रह्म इदम सर्वम खलु निश्चयन ब्रह्म सर्वम तद तृष्टवा तदेवानुप्राविशत इसका माया के संसर्ग से प्रातिभाषिक सत्ता के रूप में सृजन करके परमात्मा प्रविष्ट इव आभाति तो परमात्मा इसको सृजन करके इसमें समाविष्ट हो गए और ये प्रसंग विचार करते हैं तो कैसे उदाहरण है कोई कोई खुद बनावे और खुद बन जावे हमारे यहाँ तो बनाने वाला भिन्न होता है और बनने वाला भिन्न होता है कारण कोई और होता है कार्य कोई और होता है तो यहाँ तो बनने वाला भिन्न है बनाने वाला भिन्न है जैसे भोजन बनाने वाला कोई और है और बनने वाला जो भोजन है वो कुछ भिन्न पदार्थ है घड़ा बनाने वाला कुंभकार पृथक है और कुंभ पृथक है तो ये बनने वाला और बनाने वाला कार्य कारण जो व्यवहार देखने में आता है तो भिन्न होते हैं पर परमात्मा कैसे भाई स्वयं बनावे और स्वयं बन जावे उदाहरण तो बहुत सरल है उद्धरण देते हैं यथोर्णना है जस्य उर्न भी ऊर्ण नाभि कहते हैं जस्या जस्य कीटसे नाभौन ऊर्णव तंतु विषय तंतु आदि अस्ती ऊर्ण माने जिसकी नाभि में ऊन है ऊन माने तंतु माने धागा जिससे वो जाला बनाती है माने मकड़ी कोई भला बताए संसार में मकड़ी कहां से जाला लाती है ये उपादान कारण कहां से लाती है हमारे वेदांतियों के सिद्धांत के अनुसार दो ही कारण होते हैं एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण हां न्यायिकों की दृष्टि में तीन कारण होते हैं संभाई, असंभाई और निमित्त और वो संभाई असंभाई को हमारे यहां उपादान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो निमित्त कारण कोई और है अर्थात निमित्त कारण हो गया कुंभकार आदि घटा बनाने में घड़ा बनाने में तो मकड़ी के जाले को निर्माण करने के लिए निमित्त के रूप में मकड़ी को स्वीकार कर लिया पर उपादान क्या है जिसके द्वारा जाला बनाओ कहां से आया तो कहेंगे साहब वो तो जाला तो था धागा तो था कहां से आया बोले मकड़ी के अंदर से आया तो जैसे इस परमात्मा की बनाई हुई विलक्षण सृष्टि का एक छोटा सा कीट मकड़ी अपने जाले के प्रति स्वयं ही उपादान कारण है स्वयं ही निमित्त कारण है इस बात को पुष्प दंताचार्य ने महिम स्त्रोत्र में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि धाता इत्यादि के द्वारा ये निमित्त और उपादान कारण की जब चर्चा चलती है तब ये चिंतन में आता है कि भाई ये बनाता है ये बनता है स्वयं वो कैसे बोले मकड़ी की तरह से सर्वस्व प्राणी जात देहे बध्य अब इसीलिए सभी प्राणियों के शरीर रूप के नष्ट हो जाने पर भी अयन देही न बध्यो ये देही नहीं मारा जा सकता इसलिए तस्मात भीषमादी सर्वाणी भूताने उद्दिश्य न तुम शोचितुम भीष्म इत्यादि इन बंधुओं के बांधवों के मरण के भय से तुमको शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि देह तो मारो या मत मारो से मरना ही है गिरना ही है शरीर को कोई स्पर्श भी ना करे तो स्वयं जीर्ण हो जाएगा काल से बड़ा हिंसक संसार में कोई नहीं है बड़े बड़े भव्य भवन बना करके छोड़ दीजिए कोई टच भी ना करे उसकी सीमा है जो जितना सुदृढ़तर होगा भले ही उसमें देर लगे पर एक ना एक दिन धराशाई होना ही है जिसकी नींवें जितनी कमजोर होंगी काल अपने थपेड़ों से उतनी जल्दी उसको जमीदोज कर देगा धराशाई कर देगा इसलिए बड़े बड़े साम्राज्य बड़े बड़े दुर्ग बड़े बड़े दिव्य उद्यान बड़े बड़े पर्वत कोई काल की काल के प्रहार से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाया इस प्रसंग पर परमार्थ प्रपा नाम की एक टीका है वो टीकाकार बहुत अच्छा कहते हैं देही माने शरीर चालक आत्मा वो नित्य है ऐसा कहते हैं और तस्मात्णात सर्वाणी भूतानी माने भ्रातृ सुहृद गुरु इत्यादि चिंता हो रही है तुम्हारे मन में ये मारे जाएंगे तो शोक हो रहा है ये शो, शोक के योग्य नहीं है इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं स यथोर्णना भी तंतुनो सरेद्यथागने हैं छुद्रा हा विस्फूलिंगा हा विचरंत्ये व मेवा सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि सर्व एतत् आत्मनः विचरंति तस्योपनिषत् सत्यस्य ओ सत्यम् इति प्राणावै सत्यम तेषां एव सत्यं तेषां एव सत्यं ऐसा मंत्र आया है उपनिषद में स यथर्णाविस्तं तुनोचरे यथाग्नेहे छुद्राविस्फुलिंगा बिच्छरंती जैसे उर्ण नाभि माने मकड़ी के अंदर से ही वो तंतु जाला बनता हुआ दिखता है प्रकट होता है जैसे अग्नि को ताड़न करने से उससे विस्फुलिंग माने चिंगारियां निकलती हैं एक से एक अग्नि काष्ठ से अग्नि समूह से अनेक चिंगारियों का जैसे दर्शन होता है जैसे एक अकेली न, मकड़ी से अनेक प्रकार के तंतुओं का जाले का निर्माण हो जाता है तथैव आत्मन इस आत्मा से ही सर्वे प्राणाह सभी प्राण सर्वे लोका सभी लोक सब सर्वे देवाहा सभी देव सर्वाणी भूतानि सभी प्राणी इस आत्मा से ही तत्व से ही ब्रह्म सत्ता से ही विचरंति माने प्रकट होते हैं और यह उपनिषद सत्य है इसका भाष्य करते हुए इसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया है यथा पूर्वम अकल्पयत सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से सोया हुआ व्यक्ति जगता है तो फिर पीछे की कल्पनाओं से विचारों से ज्ञान से व्यवहार से संबद्ध हो जाता है सोते समय सब बराबर हो जाते कह रहे अथ यदा सुसुप्तो भवती न कस्य वेद जब सो जाता है तो उसको सांसारिक जगत का कोई भान नहीं रहता स्वकीय से भानो न भवती ए तो माने अपनों का भान नहीं रहता बोले स्वस्यापि भानम न भवती अपना भी भान नहीं रहता ना अपनों का भान रहता है न मेरा ना तो मेरा बचता है और ना ही स्वयं भी नहीं अर्थात ये देह दृष्टि से बात कर रहे हैं वो जो अहम पद वाच्य है अहम पद बोध्य है वो आत्मतत्व तो चेतना तो रहती है वही तो सबके ज्ञान का कारण है और इसी बात को कहते हैं कि जब जागृत में तो समग्र देह जागृत रहता ही है सक्रिय रहता ही है पर स्वप्न में ये जागृत स्वप्न में जागृत अवस्था का व्यवहार कुछ वहाँ नहीं चल सकता अर्थात स्थूल शरीर वहाँ सक्रिय नहीं रहता वहाँ सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है स्वप्न में परंतु स्वप्न भी जब शांत हो जाता है मन अपने समग्र संकल्पों से विरत होकर के विश्रांति पाता है बुद्धि की गोद में जाता है तो वहाँ पर न स्थूल शरीर काम करता है न सूक्ष्म शरीर काम करता है वहाँ केवल कारण शरीर काम करता है और कारण शरीर की सत्ता में प्रमाण क्या है बोले खूब गहरी नींद सोने के बाद जब व्यक्ति जगता है तो अंगड़ाई इले कहते वाह आज तो बहुत गहरी नींद आई बहुत आनंद आया सुखेन न अब स्वापसो हम न किंचित अवेदिशम बड़ी सुख की नींद सोया हूं मुझे कुछ खबर नहीं पड़ी कैसे बातों में रात निकल गई कैसे एक पल के समान गहरी निद्रा के कारण रात गुजर गई मालूम नहीं पड़ा तो ये किसने जाना कि सुखपूर्वक सोया मुझे निद्रा में बहुत आनंद आया ये जानने वाला ही कारण शरीर के अंतर्गत जो प्रवर्तमान है जो इस अनुभव को करने वाला है वो आत्मा उसको जानना है तो सुसुप्ति में कुछ नहीं जाना जाता सुसुप्त मनसी परमात्मा लीने सुसुप्ति में मन परमात्मा में लीने सती लीन हो जाता है तो तत्कल्पित जो स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच है वो भी लीन हो जाता है ये वेदांत की थोड़ी गहरी सी बात है और गीता चूंकि उपनिषदों का सार है वेदों के तात्पर्य का प्रतिपादन करने वाला है इसलिए इन सबको सुनना और समझना तो हो गई तो अथ पुनर्जागरावस्थायाम और जब फिर जग करके आता है तो मनसी बहिर्मुखे जाते मन के बहिर्मुखी हो जाने पर प्राग संसारे यथा पूर्व मन प्रपंच प्र मना मन प्रपंच आविर्भवती पहले का जो जगत था जगने पर मन के अंदर फिर वैसे ही आभाषित होने लग जाता है उदाहरण दे रहे हैं जैसे ऋग्वेद में आया है यथापूर्व अकयत ऋतच सत्यंचाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्रयत ततः समुद्रो अर्नव समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ऐसे तो अंत में का पूर्वम अकल्पयत यथा पूर्व माने पूर्वस्म कल्पे यथा आसीत तथय ब्रह्मा अस्मिन्नपि सृष्टियाद काले अस्मिन्नपि कल्पे प्रारंभे एवं अकल्पयत माने वैसी ही संरचना करते हैं प्रलय काल से पूर्व इस विश्व प्रपंच का जो स्वरूप था जैसा स्वरूप था उन सब का पुनः प्रलयांत में सृष्टि की प्रथम बेला में ब्रह्मा जी महाराज वैसे के वैसा ही सृजन करने लग जाते हैं वैसी संरचना कर देते हैं तो भाई जैसे दृष्टांत तो दे रहे हैं एवं सुसुप्त प्रपंच लय सुसुप्ति में प्रपंच लय हो जाता है और जागृत अवस्था में वो मन के अंदर फिर उद्भाषित हो जाता है है ना गजब की बात अंदर ही समा जाता है और अंदर से ही निकल आता है कैसे भाई ये शंका हो गई कि आविर्भाव कैसे हो सकता है अंदर से बोले यथा ऊरना माने सूत्र विशेषो नाभौ जस्याह मकड़ी जिसके नाभि में सूत्र विशेष है उसको कहते हैं ऊर्ण नाभि माने कीट विशेष अर्थात मकड़ी स यथापूर्वम सोत्पादित न पुनर्गृश्यमन तंतुना उच्चरेत ऊर्धम चरेत जैसे वो कीड़ा मकड़ी पूर्वम शोत्पादित न अपने अंदर से स्वयं व अपने शरीर से ही उत्पादित किए हुए और फिर स्वयं अपने ही अंदर उसको लीन कर लेने वाले तंतु के द्वारा मकड़ी अपने ही धागे से बहुत ऊपर चली जाती है फिर उसको निगल जाती है उसी से जाला बना लेती है और जब उसके रमण का उद्देश्य पूरा हो जाता है रमण का उद्देश्य क्या है मकड़ी का जाला उसलिए बनाती है उसको चाहिए भोजन अर्थात मनुष्य जितने भी व्यापार करता है व्यवहार कलाप जोड़ता है अंदर की भूख मिटाने के लिए करता है फैक्ट्री लगाना है हवाई जहाज़ उड़ाना है मेहनत मजदूरी करनी छोटे से लेकर के बड़े तक अपनी बौद्धिक क्षमता शारीरिक क्षमता मानसिक संकल्प शक्ति सबके द्वारा व्यक्ति जितना भी उद्योग कर रहा है वो अंदर की प्यास बुझाने के लिए बाहर के उपक्रम है। ये मकड़ी भी इतना जो जाला बनाने का उपक्रम करती है ना सिर्फ इसलिए कि ये जाला बनेगा इसमें छोटे छोटे क्षुद्र कीट आकर के फंस जाएंगे उनको मैं खा लूंगी ये जाला है तो जो पादिते न पुनर्गृश्य माने न तंतुना उच्चरित यावत यावत् ग्रासो भवती महाराज उसी को निगल जाती है उसी को अंदर से निकाल देती है तद्वन मन वैसे ही मन भी सर्व संस्कार रूपम तंतुम ग्रसित पूर्व पूर्व जन्मों के सब संस्कारों को ग्रसित कर लेता है तंतु के समान और स्वयं भी लीनम बवती मन स्वयं ही लीन हो जाता है जैसे जाला बना करके मकड़ी उस जाले में निवास करती है और अनंतर जाले को अपने अंदर समाहित करके अपने अन्य कार्य में लग जाती है लीन हो जाती है अत पुनः प्रपंचोदय फिर पुनः प्रपंचोदय में दृष्टांत बता रहे हैं यथा हन्यमात्ग्ने हे।, हे उस लकड़ी को जलती हुई लकड़ी को ताड़ित करोगे तो उस अग्नि से सकासाद युगपद एव उस उस ज्वलित अग्नि से सकासाद से युगपद माने एक साथ ही क्षुद्र लघियांश छोटे छोटे क्षुद्र माने लघियांश माने छोटे और क्षुद्र कहने का अर्थ ये होगा कि ये संभवतः किसी को सहसा क्षति नहीं पहुंचा सकते क्षुद्र कहने का अर्थ है बहुत छोटी सी चिंगारी जैसी निकलती हैं निकली चमकी और खत्म होगी इसलिए छुद्र का लघियान इसलिए कहा कि आकार में बहुत छोटी हैं पर क्षुद्र में और लघियान में ये फर्क है क्षुद्र तो चमकी और नष्ट हुई वो किसी का वस्त्र भी नहीं जला सकती वो किसी को दाहकता का अनुभव भी नहीं होने देगी पर लघियान में ये है कि वो छोटा सा कण गया और आपका वस्त्र रेशमी है कदाचित ऊन का है कदाचित और आजकल एक और टेरिकोट होता है क्या होता है वो है कदाचित तो वो जो लघु है वो जला करके अपना अपना स्थान बना लेगा वो जला देगा सहस्रसो विस्फुलिंगा अग्निकणा व्युच्चरंती उदगच्छी एवमेव जैसे वो अग्निकण निकलते हैं आपने देखा चिंगारियां निकलती हैं ठीक वैसे ही एवमे अस्मात् प्रसुद्धात्मनो मनस प्रसुद्धात्मा से इस मन से सर्वे सूक्ष्म प्रपंच रूपा प्राणा स्थूल प्रपंच रूपा सर्वे भूर्भुव इत्यादि लोका ये सूक्ष्म प्रपंच माने प्राण आदिक और स्थूल प्रपंच माने भूर्व स्व इत्यादि भुवन सब इंद्रादिक देवता और सभी स्थावर जंगम प्राणी एक आत्मा से ही व्युत माने प्रकट होते हैं महाराज ये बात इसलिए देही नित्यम अवध्योयम देही नित्य है अवध्य है हे भारत सब शरीरों में एक ही समाया हुआ है जैसे लकड़ियाँ भिन्न होंगी पर उनके अंदर रहने वाला जो अग्नि है वो एक ही, ही होगा जैसे बिजली के उपकरण विभिन्न होंगे पंखा बल्ब ट्यूब और फ्रिज और क्या होता है एसी कूलर हीटर प्रेस टीवी ये सब उपकरण भिन्न हैं पर इन सब के अंदर जो ऊर्जा विनिविष्ट है ऊर्जा जो लगी हुई है जो इनकी चालक संचालक है वो एक ही है सबके अंदर बिजली एक ही है बिजली का अपना निजी कोई काम नहीं है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का अपना निजी कोई काम नहीं है वो जिस प्रकृति के जिस स्वभाव के जिस कार्य के लिए सक्षम उपकरण के साथ जुड़ जाती है वो उपकरण वैसा काम तब तक नहीं कर सकता जब तक विद्युत का संपर्क ना हो विद्युत का संपर्क होते ही वो उपकरण अपने हिसाब से कार्य करने लग जाता है ऐसी संसार में जब कोई क्रोधी व्यक्ति दिखाई दे तो समझना ये उपकरण तो क्रोध को उष्णता को व्यक्त करने वाला है पर इसके अंदर जो चेतना है वो एक ही है और यदि मन को संतोष देना है उसके क्रोध से यदि आपको अपने आप को बचाना है और स्वयं क्रोधित नहीं होना है तो समझ लो भगवान ने यह हीटर बनाया है आग उगल रहा है कोई शीतल हो शांत हो तो समझना ये फ्रिज है खुद भी शीतल रहता है दूसरों को भी शीतल कर देता है हीटर खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है भिन्न भिन्न उपकरणों की भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण उनकी कार्य क्षमता के कारण एक ही विद्युत अनेक कार्य करते हुए जैसे लगती है है नहीं वैसी एक ही आत्म चेतना आत्म तत्व भिन्न भिन्न प्रकृति के भिन्न भिन्न संस्कारों के भिन्न भिन्न भिन क्षमताओं वाले लोगों के साथ संबंध होकर के अनेक अनेक प्रकार के विचार प्रचार व्यवहार क्रियाकलाप दिखाती है इनकी भिन्नता इनके नाम रूप की अनेकता के कारण आप जैसे बिजली को अनेक नहीं कह सकते उपकरणों की भिन्नता नाम रूप की भिन्नता के कारण प्रक्रिया की भिन्नता के कारण वैसे ही इन प्राणियों के मनुष्यों के जीव जंतुओं के नाम रूप की भिन्नता के कारण आप परमात्म सत्ता को अनेक नहीं कह सकते ये बात बता करके भगवान ने कहा इसलिए शोक मत करो और अब दूसरी बात कह रहे हैं अब तक तो परमार्थ की बात कर रहे थे शोक मोह मत करो ऐसा बताया इह परमार्थ तत्वापेक्षायाम शोको मोहो बान संभवती अब तक जो बताया आत्मा की नित्यता के कारण परमार्थ दृष्टि से कहा कि भाई शोक मोह नहीं करना अब कह रहे हैं न केवलम परमार्थ तत्वापेक्षायाम आप तो एवं एव किंतु तो परमार्थ की दृष्टि से ही शोक मोह का की आवश्यकता नहीं है शोक मोह आ, उचित नहीं है आपितु तो व्यवहारिक दृष्टि में भी आप देख लीजिए वो व्यवहारिक दृष्टि क्या है तो एक बार श्लोक में हम डूब करके आनंद लें स्वधर्मी चावेक्ष्य न बिकंपितु मर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो न्यत न विद्यते करे भाई स्वधर्मम अपि च अवेक्ष या स्वधर्म का अर्थ है वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादाओं का अनुशीलन करके भी देख लो अवेक्ष माने आलोच्य पर्यालोच्य अनुसंधाय तुम जिस कुल में जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है जिस आश्रम में तुम हो उस आश्रम धर्म और वर्ण धर्म तुम्हारे ऊपर मनुष्य जब अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहे अपने बारे में जानना चाहे कि मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि व्यक्ति को वस्तुतः अपनी स्थिति का ही पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करूँ अच्छा भला बताओ यदि शास्त्र न हो आप गीता श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता न हो मनुस्मृति न हो वेद न हो तो कौन बताएगा कि तुम कौन हो ये संसार तो बताता है कि तुम राजेश हो देवेश हो तुम देवदत्त हो तुम यज्ञदत्त हो इसने नाम बता दिया तुम्हारा ये संसार और व्यवहार तो बताता है परिवार बताता है ये संसार है परिवार है व्यवहार है आपका मित्र मंडल है वो आपको राजेश देवेश देवदत्त यज्ञदत्त करके छोड़ देगा और क्या बताएगा ये अरे बोले तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो यह बता देगा सरला बिमला आदि नाम लेके बता देगा अधिक से अधिक संसार तुम्हारा परिचय देगा तो कहेगा तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो अधिक से अधिक परिचय कराएगा तो कहेगा तुम युवा हो तुम वृद्ध हो तुम गोरे हो तुम काले हो तुम्हारे आचरण तुम्हारे व्यवहार उसके अनुकूल होंगे तो अच्छा बताएगा अनुकूल नहीं होंगे तो चाहे कितने भी अच्छे हो तुमको बुरा बता देगा संसार का अच्छा कहना और बुरा कहना सैद्धांतिक दृष्टि से उसको खबर नहीं कौन अच्छा कौन बुरा है उसको तो यह मालूम है तुम मेरे लिए अच्छे हो तो अच्छे हो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की पत्नी उसके बच्चे सारी दुनिया को लूट खसोट करके लाता है घर आता है तो फल लाता है मिठाई लाता है वस्त्र लाता है सब सुख के साधन जुटाता है कोई कहता है तुम नीच हो तुम पतित हो पापी हो बेईमानी का धन लाते हो नहीं हम नहीं खाएंगे मिठाई हम नहीं खाएंगे फल हम फाड़ के फेंक देंगे के कपड़े हमको नहीं चाहिए ऐसा ऐसी जो बेईमानी के धन से आता है कोई कहता है क्या सारी दुनिया निंदा करती हो परंतु तुम्हारी सुविधाओं का जो हेतु बन रहा है संसार की परिवार की व्यवहार की दृष्टि में वो स्वीकार्य है तो संसार तुम्हारा क्या परिचय कराएगा स्त्री होना पुरुष होना नाम रख देगा काला गोरा बता देगा अच्छा बुरा बता देगा पर तुम कौन हो कौन बताएगा सिर्फ वो वो ये बात बताने वाला कोई है तो शास्त्री है वो भगवत गीता है वो मनुस्मृति है वो वेद है वो उपनिषद है और इनकी शरण में गए बिना आप कैसे जानोगे आद्य जगत गुरु भगवान भगवत पाद शंकराचार्य के वचनों को सुने बिना तुम कैसे जानोगे तुम क्या हो वो वो बोध कराते हैं इंद्रिय संघात तुम नहीं हो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम नहीं हो ये इंद्रियां तुम नहीं हो क्या हो फिर चैतन्य रूप शिवोहम शिवोहम नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप हूं शिव रूप हूं ये कौन बताएगा <coughs> मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम कौन कहेगा आपके स्वरूप का बोध कौन कराएगा तुम कौन हो तो केवल वेदांत केवल मनुस्मृति आदि तो इसके भी परिचय के भी दो रूप हैं सांसारिक व्यावहारिक और पारिवारिक परिचय तो हमने बता दिया तुम्हारा नाम तुम्हारा रूप तुम्हारा रंग तुम्हारी क्रिया इस सबसे संबद्ध लोग तुम्हारा परिचय दे देंगे तुम्हारा पता तुम्हारे घर का पता बता देंगे पर आ, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से दो परिचय हैं असली परिचय है तुम स्वयं के बारे में विधि निषेध का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो ये बताएगा कौन बोले मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ कि तुम कौन हो तो तुम्हारी जाति तुम्हारा वर्ण इसका निर्धारण हो संसार की दृष्टि पर पहला परिचय बता रहे असली परिचय बता रहे इस नासवान संसार में भी जो इस नासवान प्रपंच जाल से बच करके मुक्त होकर के अपने स्वरूप का बोध कराने की जो व्यावहारिक प्रक्रिया है उसका बोध करा रहे हैं कि पहले बताएगा तुम ब्राह्मण कुल में हो तो ब्राह्मण हो ब्राह्मण माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है मिश्रित तो हो गए तो वर्ण संकर हो तो ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र बहुत आश्चर्य की बात है कि हम कक्षा में प्रविष्ट हैं इसकी प्रसन्नता नहीं है हम मनुष्य बने हैं इसकी प्रसन्नता नहीं है पर हम गोरे नहीं बने इसकी इसकी शिकायत भगवान से है हमको सर्वांग सुंदर बनाया है परमात्मा ने इसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं दिया पर मुझको राजा क्यों नहीं बनाया इसके लिए शिकायत भगवान से है समाज से है व्यवस्था से है अरे बाबा परमात्मा ने जिस भूमिका को निभाने के लिए हमको जहां भेजा है उसके लिए पहले उपकृत हो जाए धन्यवाद दें प्रभु मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मेरा जन्म नापित के घर में हुआ है मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं धीमर के घर में हूँ मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं चांडाल के मुझे तो बहुत प्रसन्नता है आपने चौरासी लाख योनियों में से मुझे तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे जो अज्ञान के गर्त में डूबे हुए जीव हैं पशु नहीं बनाया पक्षी नहीं बनाया कीट नहीं बनाया पतंग नहीं बनाया मनुष्य बना दिया ना अब मैं वो करूं जिससे कि क्रमशः आप क्रमशः इस सांसारिक दृष्टि से प्राय लोग ऐसा अभिमान पूर्वक खुद के लिए कहते हैं और दूसरे लोग भी आ, कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं बोलते ब्राह्मण होना श्रेष्ठ माना जाता है ऐसा ब्राह्मण को भी अनुभव होने लगा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ पर ब्राह्मण को स्वयं ये अनुभव हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ वो बात तब सार्थक होगी सिद्ध होगी जब ब्राह्मण ब्राह्मण के जैसा ही आचरण करे ऋषियों के जैसा ही त्यागपूर्वक वैराग्यपूर्वक ज्ञानपूर्वक लोकमंगल की भावना से संयमित आचरण करे वो अन्यों के जैसा संग्रही ना हो जाए पर ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि वेदज्ञ विप्रों की परंपरा के प्रतिनिधि अर्थात साधु महात्मा या जो ब्राह्मण हैं वो राजाओं के जैसे संग्रह करने लग जाए राजभवन जैसे स्थान बनाने लग जाए तो चिंता की तो बात ही है इसलिए उच्च कुल में उत्पन्न होना ये कोई अभिमान की बात नहीं है अवसर है जो उच्च उच्च कह करके अपने आप को बड़ा मारने का भ्रम पाले हैं ये नहीं चलेगा ये समाज ये संसार पहले भी त्याग को पूजता था वैराग्य को पूजता था तपस्या को पूजता था ये ज्ञान का आदर था एक सौ भरी वृद्ध महात्मा जिनके शरीर में कोई शक्ति दिखाई नहीं देती है तो अस्थियां दर्शन हो रहा है और वो भी राजा के दरबार में आ जाते हैं ना उस महात्मा के साथ में सेना है ना महात्मा के सेवक हैं ना महात्मा के पास संपत्ति है महात्मा के पास कुछ नहीं ना शक्ति ना संपत्ति ना सेना ना सेवक और स्वयं भी जरा जीर्ण है और वो एक महात्मा आता है जंगल से राजमहल राज, राज दरबार में तो चक्रवर्ती सम्राट उठ करके खड़ा हो जाता है वो किसी व्यक्ति के लिए खड़ा नहीं है राजा ये समाज जो महात्माओं के पीछे चलता है ये समाज जो महात्माओं के सामने आशा भरी नज़रों से निहारता है वो किसी व्यक्ति का अनुगमन नहीं है वो किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं है वो उस व्यक्ति के अंदर सन्निहित जो त्याग शक्ति है वैराग्य शक्ति है ज्ञान शक्ति है तप शक्ति है उसका आदर है और जिस दिन ये त्याग तप शक्ति नहीं रहेगी तो कौन पूछेगा इसलिए समाज की दृष्टि में अगड़ी पिछड़ी जाति की कोई बात हमारी समझ में नहीं आती अरे बाबा ये तो जीव की यात्रा है कोई दस कदम आगे चल रहा है कोई दस कदम पीछे चल रहा है ये जो आज कोई ब्राह्मण बनकर के पैदा हुआ है ये भी किसी जन्म में पशु था पक्षी था स्त्री था शूद्र था वैश्य था क्षत्रिय था और आज जब ब्राह्मण बनकर के उचित आचरण नहीं करेगा जो शास्त्रीय निर्देश है उनका पालन नहीं करेगा यही लौट करके पशु भी बनेगा पक्षी भी बनेगा आदि भी बनेगा स्त्री बनेगा चांडाल भी बनेगा जो बनना होगा बनेगा अपने कर्मों के हिसाब से इसलिए अवसर है शूद्र कुल में जन्म हुआ है तो बहुत गर्व के साथ भगवान को धन्यवाद देकर के कहो प्रभो मेरे से जीवन में ऐसा कोई आचरण ना हो व्यवहार ना हो कि किसी का दिल दुखे मैं निरंतर शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ूं मैं संसार के शीर्ष को प्राप्त करूं और संसार के शीर्ष को नहीं एक दिन ऐसा आए कि मैं आप में लीन हो जाऊँ आप जैसा हो जाऊँ इसलिए क्या कठिनाई है व्यवस्था पर उंगलियां उठाना व्यवस्था का खंडन करना अलग बात है और व्यवस्था का आश्रय लेकर के आगे बढ़ जाना अलग बात है तो ये जो साधारणतया व्यावहारिक परिस्थितियों में अपना परिचय प्राप्त करना है पहला हम बताते हैं साफ साफ मेरा कौन सा वर्ण है पहला परिचय मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं कि शूद्र हूं दूसरा मेरा आश्रम कौन सा है मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ मैं बानप्रस्थी हूँ कि मैं सन्यासी हूँ पहले मोटे मोटे सांसारिक स्तर पर आध्यात्मिकता की प्रगति के लिए दो परिचय अपना वर्ण जानो और अपना आश्रम जानो अब जब वर्ण और आश्रम मेरा ये पता ठीक हो गया तब जानिएगा कि मैं जिस वर्ण में हूँ जिस आश्रम में हूँ इन दोनों के कर्तव्य क्या हैं इन इन दोनों के माध्यम से मुझको भगवान की जो वाणी है शास्त्र श्रुति स्मृति ममई वाग्य भगवान कहते हैं श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है उनसे जानो कि मेरा कर्तव्य क्या है जब तक स्वयं को स्थूल रूप में नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं मेरा कर्तव्य क्या है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र कहते हैं अमुक वर्ण में अमुक आश्रम में रहने वाले का ये ये कर्तव्य है ये विधि है यह निषेध है यह आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए असली पता है आपका देवदत्त होना गोरा काला होना अच्छा बुरा होना स्त्री पुरुष होना तुम्हारा कोई पता नहीं है असली पता यह है और ये स्वधर्मम इसी बात को भगवान कृष्ण कहते भले आदमी तेरा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और तू गृहस्थ आश्रम में है तू राज परिवार से है तेरा दायित्व तो क्या है क्षत्रिय का अर्थ है कि छतात्रि क्षत्रिय जो समाज को कष्टों से बचावे चोटों से बचावे प्रहारों से बचावे जो धर्म को क्षति पहुंचती हो तो धर्म को छत होने से बचावे छत्रे का मतलब यह है तो स्वधर्म को अब अभी स्वधर्म कौन बतावेगा ये संसार ये व्यवहार ये परिवार बताएगा जो जल्लाद की नौकरी करने वाले अपने स्वजन संबंधी को भी घर आने पर गले लगाता है उसे क्या मालूम तुम क्या करके आए हो ब्याध का काम करने वाले को पशु पक्षियों को मारने वाले को भी जो अपना बताता है निरपराध जीवों की हिंसा करने वाले से भी जो प्रेम कर लेता है उस परिवार कैसे बताएगा इसलिए असली परिचय कि भगवान कह रहे स्वधर्मम अपिच अवेक्ष अपने धर्म को जानो ना स्वधर्म क्या है स्वधर्म क्या है परधर्म क्या है मिथ्या क्या है छल क्या, क्या है ये सब जानना पड़ेगा अधर्म क्या है परधर्म क्या है विधर्म क्या है स्वधर्म क्या है इस सब पर विचार करना होगा और इस पर विचार हुआ है अधर्म शाखा पंचे ये पांच शाखाएं हैं अधर्म की और ये भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते समय प्रहलाद जी महाराज ने ये जाना है संभवतः यदु जी महाराज से नारद जी महाराज से जाना है युधिष्ठिर जी ने ऐसा तो स्वधर्मम अपने अपने स्वधर्म स्वधर्म का अर्थ है निसर्ग सिद्ध धर्म उसको विचार करके कांपने की आवश्यकता नहीं है और तुम यदि स्वधर्म पर विचार करोगे ना तो ध्यान रखना क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के लिए धर्म्यादि युद्धाश्रेय अन्य विद्यते धर्म्यात युद्धात अन्य श्रेय क्षत्रिय कृत न विद्यते धर्मयुक्त युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय के उपकार का कल्याण का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है यहां पर युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं तेरी जाति का जो मौलिक तेरे वर्ण का जो मौलिक धर्म है उसकी बात कर रहे हैं वो कैसा धर्म हो अधर्म युद्ध नहीं धर्म युद्ध होना चाहिए धर्म की रक्षा के निमित्त न्याय की रक्षा के निमित्त नीति के संरक्षण के निमित्त अत्या अत्याचारियों को दुष्टों को दंड देने के लिए किया जाने वाला युद्ध गौ के लिए संत के लिए विप्र के लिए धर्म के लिए देव के लिए शास्त्र मर्यादा के लिए किया जाने वाला युद्ध युद्ध है अत्याचारी का समन करने के लिए अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए विरोध करने के लिए किया जाने वाला युद्ध धर्मयुद्ध है अब महाभारत वाले युद्ध की कल्पना मत करो आज अपने ही पास देखो कोई तुम्हारी दृष्टि में किसी एक विशेष कारण से आदर्श है उतने अंशों में उसका स्वागत करो सम्मान करो पर जितने अंशों में वो गलत है आपके अंदर ये निर्लोभ भाव से निर्भय अच्छा मुश्किल क्या है भय और लोभ ये दो ऐसी बीमारी हैं जो किसी भी व्यक्ति को सत्य का समर्थन नहीं करने देती असत्य का अन्याय का विरोध नहीं करने देती भय और लोभ दो ऐसे कारण हैं जो जो तुमको कुछ नहीं करने देंगे भय क्या है संबंध खराब हो जाएगा व्यवहार खराब हो जाएगा उनकी नजरों में हम गिर जाएंगे हम क्यों बोले भैया उनका काम है उनको करने दो लोभ क्या है उनसे संबंध खराब होगा तो उनकी संबंधी हमसे रूठ जाएंगे हमारा व्यापार चलना कम हो जाएगा हमारे फॉलोअर घट जाएंगे हमारी दुकान पर हमने जो दुकान मजमा लगाया है दुकान लगाई है उस दुकान के ग्राहक घट जाएंगे हम ऐसा नहीं कर सकते भैया नहीं हम हमारा व्यवहार है भैया हम नहीं बोल पाएंगे भय और लोभ ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो तुमको सत्य का आदर नहीं करने देंगे सत्य का समर्थन नहीं करने देंगे सत्य का सत्य का संरक्षण नहीं करने देंगे तुमको साहसी नहीं बनने देंगी और जैसी तुम निर्भय और निर्लोभ हुए तो फिर कौन मजाल है दुनिया की कौन तुम्हारा तु, तु, तुमसे आंखें मिला सकता है हम संसार में दुर्बल हुए हैं दीन हुए हैं पराजित हुए हैं पद दलित हुए हैं तो केवल भय और लोभ के कारण चाहे वो धर्म परिवर्तन की बात हो और चाहे जाति परिवर्तन की बात हो जिंदे रहने की आकांक्षाने न जाने कितने कितने अत्याचार करने वाले लोगों की शक्ति बढ़ाई है इसलिए भय रहित तो होकर के लोभ रहित तो होकर के विचार करोगे तो तुम्हारे लिए इन अत्या अन्यायी कौन है बाबा भीष्म भीष्मयी है क्या गुरु द्रोणाचार्य अत्याचारी है क्या इनको क्यों मारें मानो मारे ऐसा प्रश्न करने बोले हाँ कुछ लोग होते हैं जो खुद चोरी नहीं करते पर चोर को प्रस्रय देते हैं कुछ लोग होते हैं खुद पाप नहीं करते पर पाप करके आने वाले को कहते चिंता मत कर मैं हूं ना हम शंख बजाने वाले हैं हमारे हाथ में धनुष है किसी की मजाल तो तेरी आ, तेरी ओर आंख उठा करके देख ले पाप करने वाले व्यक्ति के बारे में तो विचार है ही पर पाप का समर्थक भी पाप का अनुमोदक भी पापी का संरक्षक भी उतना ही बराबर का अपराधी है जितना पाप करने वाला है और वो भी दंड का उतना ही पात्र है दंड है जितना कि अपराधी है बाबा भीष्म द्रोण दोनों स्वयं में पापी नहीं है दोनों अपराधी नहीं है दोनों अत्याचारी नहीं है दोनों अन्यायी नहीं है दोनों अधर्म ओ, करने वाले नहीं हैं परंतु दूसरे की संपत्ति चुराने वाले दुर्योधन दूसरे की स्त्री का तिरस्कार करने वाले दुर्योधन दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या की आग में जलने वाले दुर्योधन षड्यंत्र षट का षडयंत्र पाखंड करने वाले दुर्योधन जैसे दुष्टों का संरक्षण करते हैं इसलिए बाबा भीष्म और द्रोणबद्ध्य हैं दंड्य हैं इसलिए उनके साथ युद्ध होना चाहिए और ये बात आपकी समझ में आ जाए हमारी समझ में आ जाए कहना अलग बात है पर आचरण में उतरना अलग बात है हम भी अपना और पराया करके धर्म और अधर्म को परिभाषित करने लग जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे न्याय और अन्याय को स्वकृत प्रकृत मान लेंगे तो कभी हम न्याय नहीं कर पाएंगे कभी हम सत्य के समर्थक नहीं हो पाएंगे कभी हम साहसी नहीं हो पाएंगे हमारे अंदर की जो ऊर्जा मर गई है हमारे अंदर का जो शौर्य मर गया है हमारे अंदर का जो साहस मर गया है वो मर गया है इसलिए कि हम भय और लोभ से पीड़ित हैं स्व और पर के और द्वेष से पीड़ित हैं इसलिए न्याय नहीं कर पाते हैं। तो स्वधर्म को देख करके स्वधर्म क्या है क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए धर्म रक्षार्थ जो संप्राप्त सहज प्राप्त युद्ध है उससे बढ़कर के खुला हुआ स्वर्ग का कौन दरवाजा होगा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं स्वधर्मम आप अर्थात स्वधर्म अपना धर्म क्या है क्षत्रिय के लिए बोले युद्धम तम अपनी अपेक्षा उसको भी विचार करके अनुसंधान करके तुमको प्रचलित तो होने की कंपित तो होने की विचलित तो होने की कोई आवश्यकता नहीं है न अर्सी क्योंकि स्वाभाविकात स्वभाव आत्मस्वभा इति अभिप्राय स्वाभाविक क्या है स्वाभाविक है कि क्षत्रिय स्वभाव प्रयुक्त वर्णाश्रम धर्मोचितम और तस्मात स्वभाव क्षत्रियस्वभाप्रयुक्ता वर्णाश्रमधर्मोचिता युद्धात अन किमपि न जो वर्णाश्रम निसर्गतः प्राप्त है वर्णाश्रम धर्म के कारण जो आत्मस्वभाव के कारण प्राप्त है उससे बढ़कर के और अच्छा क्या है तो तत्च युद्ध पृथ्वीजयद्वारण धर्म प्रजारक्षण इति धर्मा ये युद्ध है ये पृथ्वी विजय द्वारा जब जब आप सक्षम और सर्व विजयी शासक हो जाएंगे तो जहां जहां आप विजय प्राप्त करेंगे उस उस राज्य के परिभाग में भूभाग में आप अधर्म नहीं होने देंगे अन्याय नहीं होने देंगे अत्याचार नहीं होने देंगे राजा सर्वत्र विद्यमान किस रूप में रहता है दंड के रूप में राजा सो जाता है सुप्तेशु अपि राजसु राजा के सो जाने पर राजनी सु राजा सुप्ते राजनी राजा के सो जाने पर भी दंडो जागर तिबई सदा दंड जगता है और उस दंड के भय से व्यक्ति अनैतिक अनर्थ अनैतिक कर्म में अनर्थ में प्रवृत्त होने से बचता है डरता है कि दंड मिलेगा और जिस राष्ट्र का जिस राज्य का जिस समाज का जिस घर का मुखिया शासक नेतृत्व करता कमजोर होता है अर्थात कमजोर होने का मतलब व्यक्ति का कमजोर होना नहीं उसका दंड कमजोर होता है अनुशासन करने की क्षमता कमजोर होती है वहां अत्याचार पनपता है वहां बेईमानी पनपती है और उसका दोष भी फिर मुखिया को ही लगता है <coughs> दंड जहां कमजोर हुआ दंड विधान जहां पक्षपाती हुआ दंड विधान जहां पर दुर्बल हुआ वहां अराजकता फैलेगी ही फैलेगी निष्पक्ष दंड विधान हो क्योंकि पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्वक दंड विधान भी अधर्म का कारक है अराजकता का, का उसका भी विरोध होने लग जाएगा कितना भी बड़ा ताकतवर हो न्याय करेगा बेईमानी करेगा तो टिकेगा नहीं कितना भी बड़ा तुम्हारा मजमा हो कितना भी बड़ा तुम्हारा वैभव हो कितना भी बड़ी तुम्हारी भीड़ हो तुम तो यदि गलत रास्ते पर जाओगे तो टिक नहीं पाओगे तो पृथ्वी जय द्वारा धर्मार्थम और प्रजा धर्म युद्ध का अर्थ बता रहे हैं जिसमें प्रजा का रक्षण हो धर्म की रक्षा हो धर्मात अनपेतम धर्म से जो अनपेत है अर्थात धर्म से अपेत नहीं है धर्म अनपेत माने धर्म से युक्त न अपेतम अनपेतम तो परम धर्म्यम परम परम माने धर्म्यम धर्मयुक्त ऐसे धर्म्यात युद्धात श्रेय अन्य क्षत्रिय न विद्यते इससे बढ़कर के श्रेय का साधन क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा नहीं है करे कुत च तत्व कर्तव्यम युद्ध किस लिए कर्तव्य है इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं एक तनंजयो बाच्यो ये बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं यही बात नहीं है युद्ध के आरंभ होने से पूर्व उद्योग पर्व में महाभारत में वर्णन आता है कि उद्योग माने युद्ध से पहले उद्योग किया जाता है अपने अपने पक्ष के राजाओं से संपर्क किए जाते हैं आ, सेना की व्यवस्थाएं जब चलेंगी तो कहाँ कहाँ विश्राम करते हुए युद्ध में मैदान तक पहुँचेंगी कहाँ कहाँ उनके आवास होंगे कहाँ कहाँ उनके भोजन की व्यवस्था होगी युद्ध का परिक्षेत्र कितना होगा ये सब व्यवस्थाएं उद्योग में आती हैं उस उद्योग पर्व में भगवान कृष्ण एक दिन माँ कुंती से मिले और माता कुंती ने अपने समग्र और दोनों में जो भी संवाद हुआ हम उधर नहीं जा रहे आ, अचानक माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा केशव जा रहे हो तो मेरा भी एक छोटा सा संदेश अर्जुन को और भीम को सुना देना भगवान कृष्ण चौक गए ये बुआ कुंती शायद ये ना कहने लग जाए कि अर्जुन से कहना रे क्या रखा है दुनिया में लड़के क्या मिलेगा कौन या अमर रहना है आधे से अधिक जीवन तो तुम्हारा लड़ते संघर्ष करते करते गुजर गया बनबाज भी मिला तो अच्छा हुआ ना तपस्या हो गई और बड़े बड़े संतों का संग हो गया क्या घट गया क्या जाता है भगवान कृष्ण के मन में आया कदाचित कुंती बुआ ने यह कह दिया कि बेटा लड़ाई में कुछ नहीं रखा युद्ध मत करना जो होना था हो गया हमारे कर्मों का लेखा जो का था सो परंतु मां कुंती तो छत्रियों को जन्म देने वाले सूरों की मां है है, है, बीरान एव तो माता कुंती ने कहा केशव मेरा भी एक संदेश अर्जुन को दो को ही कहा है दे देना कहना कि जिस दिन की जिस दिन की अपेक्षा से छत्राणी अपने गर्भ में उस बालक को पालती है वो दिन आ गया है एक छत्राणी एक वीरांगना इस उद्देश्य से प्रसव की पीड़ा को भोगती है गर्भकाल के संकटों को सहती है आज अपनी उस वीर शो मां के कर्ज को उतारने के उतारने का उसके संकल्पों को सिद्ध करने का अवसर आ गया है एक धनंजयो बाच्यो गोविंद ये धनंजय को कह देना और नित्योद्युक्तो ब्रिकोदर नित्य उद्युक्त रहने वाले ब्रिकोदर भीम को कह देना क्या कहना बोले यदर्थम छत्री आसूते तस्य कालो यमागत जिस उद्देश्य के लिए प्रयोजन के लिए छत्राणी पुत्रों को जन्म देती है उस प्रयोजन की सिद्धि का यह काल ये समय आ गया है अर्थात अन्याय का उन्मूलन करने के लिए अत्याचार का विनाश करने के लिए दुष्टों को दंड देने के लिए ही मात्र छत्राणी अपनी संतानों को जन्म देती है और बेटा परा लोभ में आकर के मोह में आकर के भय के कारण पीछे मत हट जाना यह अवसर आ गया है एक मां का कर्जा लौटाने का दिन आ गया है इसलिए युद्ध करो तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यदृष्छया चोपन्नम स्वर्गद्वार सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मी भगवान कृष्ण कहते हैं यदृष्ठया माने अप्रार्थनाया मांगा नहीं है चाहा नहीं है कि युद्ध हो आकर के पड़ गया है हमारे ऊपर युद्ध लाद दिया गया है ऐसा जो युद्ध है वो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है अपावृतम स्वर्ग और जे सुखी क्षत्रिय संखिना माने सुकृति न पुण्यात्मा न पुण्यशीला जो पुण्यशील क्षत्रिय हैं पुण्यात्मा क्षत्रिय हैं अरे अरे पार्थ ऐसा युद्ध तो केवल उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है सबको प्राप्त नहीं होता यहां पार्थ जो कहा है इसीलिए माता प्रथा का कुंती का स्मरण यह प्रसंगतः तो हमने भी किया ऐसा टीकाकारों ने भी कहा है ये महाभारत के उद्योग पर्व के एक अध्याय का नौवें और दसवें श्लोक का मिश्रण है तो कह रहे हैं भाई जो यदृच्छया माने अनचाहे में हमारे ही साथ अत्याचार हो रहा है और हम ही धमकाया जावे हमारे ही साथ बेईमानी हो रही है और हम पर ही अटैक किया जाए लड़ने के लिए उकसाया जाए फिर भी न्याय न करे और ये और कह दे कोई सामने वाला कि सुन जो तेरे पे करना जो तुझ पर बनता हो कर ले मैं तो सुई की नौक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के देने वाला नहीं सूचग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव की नौ नौक नौके, अग्र भाग के अग्रभाग के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा उनमें दम है तो वो ले लें जो खुद बेईमान है अत्याचारी है और हमको कह दे कि तुझ पर जो बिगाड़ बिगाड़ा जाए बिगाड़ लेना नहीं मानता न समाज को मानो ना पंचायत को मानो ना सरकार को मानो न पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मानो कर ले क्या करेगा मेरे ही साथ अत्याचार हुआ है मेरी दुर्बलता कहो मेरी अक्षमता कहो मेरा शौर्यहीन होना कहो निर्धन होना कहो और मुझको ही हड़काया जाए ऐसे दीन बन करके सौ दिन तक जीने से लाख गुना बेहतर है कि बड़े से बड़े अत्याचारी का सामना डट करके करे चाहे दो ही पल में मर जाए माना कि मेरे पास धन नहीं है मेरे पास मेरे पास जन नहीं है मेरे पास शक्ति नहीं है पर मेरे पास में अपने रोज रोज सिसक सिसक करके रोने से तो लाख गुना बेहतर अपने प्राणों को त्यागने का अवसर तो है इसलिए आत्महत्या करके नहीं मरना है उस अत्याचार का विरोध करते हुए माना आज हो सकता है कि तुम्हारे तुम्हारे अत्याचार के प्रतिरोध की आवाज इतनी बड़ी ना हो क्यों दस सौ हजार लाख करोड़ लोगों तक ना पहुंचे परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे प्राणोत्सर्ग की अग्नि कभी बड़ी नहीं होगी चिंगारी निश्चित रूप से जैसे भगत सिंह जी बटुकेश्वर दत्त सुखदेव इत्यादि का बलिदान एक अंधेरी काल कोठरी में जेल के अंदर समय से पहले कर दिया गया लोगों ने सोचा कि ये मर गए तो सब खत्म हो जाएगा परंतु एकांत में उनको दी गई फांसी का प्रभाव यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष में उस समय के युवाओं में आग की तरह से बात फैल गई और अंग्रेजों का विरोध और तीव्रतर होता चला गया तो कभी कभी मानो किसी व्यक्ति को प्राणोत्सर्ग करके भी सफलता नहीं मिलती उद्देश्य पूरा नहीं होता पर उसके प्राण दान की जो अग्नि है और जो चिंगारी है वो धधकती है तो पूरे के पूरे अत्याचारी समाज को नष्ट कर देती है तो यदृक्षा माने अप्रार्थितया उपपन्न जो आया हुआ है ऐसा युद्ध खुले हुए स्वर्ग के दरवाजों के जैसा है ये पुण्यात्मा छत्रियों को प्राप्त होता है जो तुमको प्राप्त है इसलिए युद्ध करो ये ईदृशम युद्धम कैसा कैसा युद्ध बोले बता दिया ऐसा अत्याचारियों के विरुद्ध करना पड़े बेईमानों के अधर्मियों के साथ करना पड़े अथवा जय और अजय इत्यादि विनिवेश रहित जय होगी कि पराजय होगी ये अभिनिवेश रहित जो युद्ध है वो पुण्यात्माओं को मिलता है एवं कर्तव्यता प्राप्तम अपि ये कर्तव्यता को प्राप्त हो गया है इसलिए भी युद्ध करना चाहिए कह रहे हैं अथ चेतम धर्म्य संग्राम न कीष्यसी ततस्वधर्म हित्वा पापम वापस्यसी इसके बाद भगवान ने बड़े जोर की बात कही है रहे हैं कि अथ चेत यदि तुम इम धर्मियम संग्रामम न करी अरे सुनो पार्थ यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करो, करोगे कौन सा धर्म यदृच्छया उपपन्न जो तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है तुमने कोई पहले घोषणा नहीं की युद्ध करेंगे तुम तो अपना हिस्सा मांग रहे हो नहीं दोगे तो हम लड़कर के लेंगे युद्ध की तैयारी उन लोगों ने पहले की है सेना उनकी ज्यादा है और उतावले वो ज्यादा हो रहे तुम मेरे पास आए उससे पहले दुर्योधन मेरे पास आ गया है युद्ध की तैयारी के लिए सहायता मांगने इसलिए तो यदि तुम इस धर्मयुक्त तो युद्ध को नहीं करोगे संग्राम को नहीं करोगे तो तथा इसके बाद क्या होगा स्वधर्म जाएगा तुम्हारी कीर्ति जाएगी और बदले में तुमको पाप भी लगेगा तीन बात बता रहे हैं तुम्हारा धर्म तो नष्ट होगा जो स्वधर्म है वो तो नष्ट हो होगा ही होगा तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और चलो स्वधर्म चला जाए कीर्ति चली जाए फिर बोले पाप अलग से लगना है ये है जकड़ जो प्रस्तोता है जो विचारों का संप्रेषण करने वाला है जो किसी कुपथ पर गए हुए व्यक्ति को सुपथ पर लाना चाहता है वो कितनी कितनी कुशलताओं दक्षताओं युक्तियों का आश्रय लेता है अरे समाज क्या कहेगा तेरे दादा परदादा के बारे में क्या धारणा है तुम्हारा भविष्य क्या होगा क्या मिलेगा ये करके मानो जितनी कुशलताएं किसी एक अच्छे उपदेशक में होनी चाहिए उन सबसे भी बढ़ करके भगवान में है अब ये दर, दिखा दिया कि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा स्वधर्म चला गया तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और तुमको पाप भी बहुत भारी लगेगा धर्मियम का अर्थ क्या है धर्म युद्ध भी कोई होता है बोले हां शास्त्र विहितत्वम अर्थात अनुकूल फल फलवत्व और शास्त्र निषिद्धत्वम माने प्रतिकूल फल फलवत्वम धर्मयुक्त का मतलब यह है कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार होगा तो उसमें अनुकूल फल की प्राप्ति होगी करे अथ चेत तव इम धर्म्यम यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को संग्राम युद्धम न करी से युद्ध नहीं करोगे तत् ततः अकरणात् ततः तत् अकरणात् उस युद्ध के न करने से स्वधर्मम आपका क्षत्रियोचित जो कुल धर्म है वो चला जाएगा कीर्तिम माने तुम्हारी जो कीर्ति है भगवान शिव को तुमने प्रसन्न किया था युद्ध के मैदान में महादेव और महेंद्र इंद्र के आसन पर बैठे निवाद कवच आदि दैत्यों को मारा ये जो तुम्हारी समागम निमित्तां इंद्र महेंद्र ए, महेंद्र और महादेव के साथ जो तुम्हारा समागम हुआ है तमन तन निमित्तक जो तुम्हारा पुष्कल यश है कीर्ति है महाराज ये सब चली जाएगी तुम्हारे शौर्य की जो गाथा दुनिया गाती है महाराज उल्टा गाने लग जाएगी और केवलम पापम अब से सी केवल तुमको पाप हाथ आएगा कह रहे हैं धर्म बहिमुखोभूत्वा धर्म से बहिर्मुख होने के कारण पापम अबाप से सीमा ने पाप का फल क्या यहाँ तो मिलता नहीं आगे मिलेगा यहाँ तो ये यह है कि तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी अप्यस हो जाएगा परलोक सुख प्राप्ति प्रतिबंधकम परलोक सुख प्रतिबंधकम परलोक में जो सुखादिक मिलने की संभावना है वो क्षीण हो जाएगी इसलिए न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्याग केवल स्वधर्म और कीर्ति का ही परित्याग नहीं है अपितु तो श्लोक में तो बता दिया स्वधर्म और कीर्ति पर आमुस्मिन माने परलोक भी तब हानि आमुस्मिकम प्रत्यवायम उक्तवाहिकम अकीर्ति रूपम प्रबदंती आमुस्मिक उस लोक के प्रत्यवाय को बता करके अब इस लोक की अपकीर्ति जो होगी व्यवहारिक उस पर चर्चा करते हैं इस प्रसंग में भगवत कृपा से अग्रिम सत्र में विचार यही को विराम सर्वे सुखिनः सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते नारायण नारायण